फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं सांदीपनी मंदिर, और अभी जो है रास्ते में है, और वहां पहुंच के जो है वहां का सीन मैं दिखाता हूं आपको। फ्रेंड्स, ये है सांदीपनी का गेट, और मेन गेट अभी जो अंदर आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और ये रास्ता आ चुका है अभी अंदर जाने का। अभी हम जो है सांदीपनी मंदिर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है मेन गेट है सांदीपनी मंदिर के अंदर जाने का, और अभी हम जो है इसमें अंदर जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है सांदीपनी मंदिर, और इसमें जो है ऊपर हरि मंदिर लिखा हुआ है, और अभी हम जो है जाने वाले हैं इसमें अंदर। ठीक है, अगर शूटिंग करने का यार मतलब कि अंदर शूट करने देंगे तो मैं जो है वहां पर शूट करूंगा, बाकी आपको जो है बाहर से ही सारा का सारा व्यू दिखा दूंगा। फ्रेंड्स, अभी हम जो है मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और अभी जो है अंदर तो शूट करने का मना है, लेकिन बाहर से ही मैं जो है आपको दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो है मंदिर के बाहर आ चुके हैं, और अंदर जो है आरती का टाइम था तो थोड़ी देर बैठ चुके थे, और अंदर जो है शूट करने का मतलब कि परमिशन नहीं थी, तो हमने जो है अंदर कुछ भी शूट नहीं किया है, और अब पूरा का पूरा मंदिर आप जो है यहाँ से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ब्राह्मण की स्कूल भी है जी, या मंदिर के पीछे जो है एक ब्राह्मण की स्कूल है, जो ब्राह्मण कास्ट होती है उसकी विद्या जो है पाने के लिए यहाँ पर उसकी स्कूल भी है, तो वो पीछे की ओर है मंदिर के पीछे, अगर दिखाई देती है तो मैं आपको इसमें से दिखाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये मंदिर जो है यार बहुत ही बड़ी स्पेस में है जी, या मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर है, और ये जो है यार पूरा का पूरा गार्डन है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो है सारा का सारा गार्डन है, और ये नीरव जो है जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यार कितनी बड़ी जगह है यहाँ पर, मतलब कि बहुत बड़ी यार स्पेस है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये सारा का सारा पीछे जो है ये गेट है एक, और मेरे पीछे जो है यहाँ पर जो है वो फुवारा होता है ना, क्या होता है फुवारा सा, और मुझे भी नहीं पता यार इसको क्या कहते हैं, लेकिन मुझे जो है कमेंट में ज़रूर बताना कि इसको क्या कहते हैं, और वहाँ पर जो है अभी जाकर मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे जो है महादेव की मूर्ति है, और उसमें से जो है पानी गिर रहा है। आप देख सकते हैं यार कितना बढ़िया ये लग रहा है यार, काफी अच्छा व्यू आ रहा है, और मैं जो है आपको अभी इसका जो है व्यू जो है कुछ शॉट मैंने लिए है वो मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ आगे। तो आप देख सकते हैं यार काफी कमाल का जो है ये लगता है। ये जो पानी गिर रहा है वो पूरा का पूरा यार वहां से आने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो है यहाँ से होके यार मैं आपको दिखाता हूँ।
इसमें जो है जाता है पूरा का पूरा पानी, और शायद यार मेरे ख्याल से पीछे से होके फिर से जो है उसमें से आता होगा। फ्रेंड्स अभी हम जो है आगे जा रहे हैं मंदिर के पीछे, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर स्कूल तो यार अच्छी तरह से दिख नहीं रही जैसा कि मैंने बताया था, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके पीछे जो है एक कॉलेज है। ठीक है, इसके पीछे आप देख सकते हैं जो दीवार है उसके पीछे जो है कॉलेज है और स्कूल भी है। और अभी हम जो है यार मतलब कि मंदिर के एकदम पीछे आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं यार मंदिर का पूरा सीन जो है इस तरह का है पीछे से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गेट है, और यार इसी गेट में से जो है उस साइड जो है मतलब कि जाने का रास्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसी गेट से जो है हम जा सकते हैं कॉलेज में। यार काफी बड़ा ये मंदिर है, आप देख सकते हो यार पूरा का पूरा हमने जो है चक्कर लगा लिया है, और पीछे जो है गेट यार काफी जो है दूर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यार काफी जो है बड़ा मंदिर है यार, और काफी कमाल का है। और आप यहाँ पर गुजरात में रहते हो तो यार एक बार जरूर आना। और अभी जो है यार आगे जो है गांधी जी की जो है मतलब की स्टेच्यू है वहाँ पर भी जो है मैं आपको लेकर जाता हूँ, और काफी कमाल का है यार। फ्रेंड्स यहाँ पर जो पीछे दिख रहा है वो है यज्ञ हॉल। ठीक है, यहाँ पर जो है यज्ञ होते हैं, हवन होता है, तो यार गुजरात के हो गए उसको मालूम होगा। और आप देख सकते हैं ये जो लाइट्स है यार ये मंदिर पर जो है पड़ती है, तो यार एकदम यार मतलब कि दूर से यार काफ़ी अच्छा लगता है यार एकदम चमकता हुआ। ठीक है, तो यार मतलब कि लाइट यार बहुत से इसीलिए हमने जो है यहाँ का नाइट लॉक बनाया है, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स बहुत थी, और वहाँ पर जो है वो मैंने अभी आपको बताया महादेव की मूर्ति वाला। ठीक है, यहाँ पर जो है पीछे जो है चीकू का गार्डन है, मतलब कि चीकू जो है यार उगते हैं, अभी गुजरात के हो गए उसको पता होगा चीकू क्या है। ठीक है, वो यार फ्रूट है एक। ठीक है, हम खाने में यार काफी मजा आता है, चीकू का जूस भी पीने में मजा आता है, तो वहाँ पर पीछे की ओर है। देख सकते हैं पीछे यहाँ पर जो है गांधी जी का स्टेच्यू है। ठीक है, तो अभी जो है मैं वहाँ पर आपको लेकर जा रहा हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर है गांधी जी और कस्तूरबा, और यहाँ पर जो है कुछ बच्चे मतलब कि खेल रहे हैं पूरे के पूरे ग्राउंड में। आप देख सकते हैं ये पीछे की ओर जो है पूरा का पूरा मतलब गार्डन है, और यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे जो है खेल रहे हैं, और उस साइड जो है झूले भी है जो झूलते हैं यार लोग, और जो लसर पट्टी होती है वो भी है, तो यार सब कुछ यहाँ पर है, और यार काफी अच्छी जगह है, आप यहाँ पर आ सकते हो। फ्रेंड्स अभी जो है ठंडी का मौसम है, और हमने जो है जैकेट वैकेट कुछ पहन कर नहीं आए है, तो यहाँ पर जो है हमें ठंड भी लग रही है। और अभी हम जा रहे हैं घर, और फाइनल यार लास्ट सीन देख लो आप यहाँ का। तो अभी हम जो है यार गेट से बाहर जा रहे हैं, और अभी यार सीधा जाएंगे मतलब कि अभी जो है पानी पूरी बनाने वाली है, तो अभी जो है पूरी लेने जाने वाले हैं, वो गोलगप्पा बोलते हो ना आप, वही जो है हम बनाने वाले है। तो अभी जो है सीधा यार गोलगप्पे लेने जाएंगे, और फिर जाएंगे घर, फिर यार करेंगे डिनर, और फिर जो है सो जाएंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम जो है बाहर निकल चुके हैं, और अभी जो है मेन गेट से भी बाहर जाने वाले हैं। तो कैसा लगा ये व्लॉग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, और ऐसे ही व्लॉग जो है नए नए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन पर भी जो है प्रेस कर देना, और ये व्लॉग जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।